हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फर्स्ट डिज़ाइन। आज मैं आपके साथ पाकिस्तानी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। इसे स्ट्रेट सलवार भी कहते हैं। पाकिस्तानी सलवार को बनाने के लिए मैंने ये मेज़रमेंट यूज़ किए हैं। आप मेज़रमेंट में चेंजेस कर सकते हो, सलवार को बनाने का मेथड सेम रहेगा। पाकिस्तानी सलवार को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2.25 मीटर रियॉन फैब्रिक लिया है। 2.25 मीटर फैब्रिक में आप 44 साइज तक की सलवार आराम से बना सकते हो। सलवार की मोहरी को और भी खूबसूरत बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 मीटर कॉटन लेस यूज की है। यहाँ पे मेरे फैब्रिक में वाइट थ्रेड का वर्क दे रखा है, इसलिए मैं इसे 2 पार्ट में कट करूंगी, जिसके लिए मैंने दोनों पार्ट को सेंटर से कट करके अलग कर लिया है। अब मैं यहाँ पे फैब्रिक को ऑन फोल्ड कर लूंगी। यहाँ पे मैंने फैब्रिक को ऑन फोल्ड कर लिया है। ये फैब्रिक की ओपन वाली साइड है और दूसरी साइड फैब्रिक की ऑन फोल्ड वाली साइड है। यहाँ बॉटम में मैं वर्क वाली साइड से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूंगी। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ से सलवार की लंबाई का निशान लगाऊंगी। अब यहाँ पे मैं 38 इंच पे लंबाई का निशान लगाऊंगी। यहाँ लंबाई के निशान में मैं कोई भी मार्जिन ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे 1 इंच की बॉटम पट्टी अलग से ज्वाइंट करूंगी। 38 इंच पे दोनों साइड निशान लगाने के बाद अब मैं यहाँ भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूंगी। अब लंबाई वाले निशान से मैं 2.5 इंच ऊपर इलास्टिक के एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान लगाऊंगी। यहाँ पर मैं 1 इंच इलास्टिक के अकॉर्डिंग 2.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब मैं इन सारे पॉइंट्स को भी आपस में मिला लूंगी। इसके बाद लंबाई वाले निशान से मैं आसन की लंबाई ले रही हूँ। आसन की लंबाई मैं यहाँ 12 इंच रखने वाली हूँ, जिसमें मैंने 1 इंच मार्जिन ऐड किया है। अगर आप इसे एक बड़े साइज की सलवार बना रहे हो तो आपको यहाँ पे 14 इंच का आसन लेना है। और अगर आप 44 इंच साइज से बड़े साइज की सलवार बनाने वाले हो तो आपको यहाँ पे 15 इंच का आसन लेना है। सलवार के आसन की चौड़ाई मैं यहाँ पे 2.5 इंच ले रही हूँ। आपको सभी साइज में यहाँ पे 2.5 इंच लेना है, लेकिन आप अगर 44 साइज से बड़ा साइज बनाने वाले हो तो यहाँ आपको आसन की चौड़ाई 3 इंच रखनी है। अब मैं इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला लूंगी। इसके बाद मैं यहाँ पे फ्रेंच कर्व की हेल्प से आसन की शेप ड्रॉ कर लूंगी। आसन की शेप ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ पे मोहरी का निशान लगाऊंगी। मैं यहाँ पे मोहरी 7 इंच रेडी रखने वाली हूँ, इसलिए उसमें 1 इंच मार्जिन प्लस करके मैं यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब आपको मोहरी वाले निशान को आसन वाले निशान से ऐसे तिरछा मिला लेना है। इसके बाद मैं यहाँ पे स्केल का यूज करते हुए कर्व शेप ड्रॉ कर रही हूँ। अगर आपके पास कर्व शेप स्केल नहीं है तो आप 1 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे शेप ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे स्ट्रेट सलवार की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसे कट कर लूंगी। यहाँ पे मैंने सलवार के घेर की चौड़ाई 18 इंच रखी है। आपका यहाँ पे जितना भी हिप मेजरमेंट हो उसको आपको 4 से डिवाइड कर लेना है और उसमें आपको 5 से 8 इंच तक एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। अब मैं सलवार की दूसरी साइड भी कट कर लूंगी। सलवार की दूसरी साइड को कट करने के लिए मैंने यहाँ फैब्रिक को ऑन फोल्ड कर लिया है। अब मैं यहाँ सलवार के पहले वाले पार्ट को एडजस्ट कर लूंगी। सलवार के फैब्रिक को एडजस्ट करने के बाद अब मैं इसे भी कट कर लूंगी। यहाँ पे सलवार की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो चलिए अब सलवार की स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं सलवार के दोनों पैनल को आपस में जोड़ते हुए आसन के साथ स्टिच कर लूंगी।
सलवार के दोनों आसन को मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे बेल्ट के एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए स्टिच लगा लूंगी। यहाँ पे मैं आधे इंच को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए बाकी पूरे फैब्रिक को ऑन फोल्ड करते हुए स्टिच लगा लूंगी। पूरी बेल्ट में स्टिच करने के बाद मैं यहाँ सेंटर से 2.5 इंच का मार्जिन इलास्टिक के लिए छोड़ रही हूँ। इसे मैं इलास्टिक डालने के बाद स्टिच करूंगी। यहाँ पर मैंने पूरी बेल्ट में 2.5 इंच का मार्जिन फोल्ड करते हुए स्टिच लगा लिया है। अब मैं इसमें इलास्टिक डालूंगी। यहाँ पे आपको इलास्टिक अपने कमर के अकॉर्डिंग लेना है। यहाँ पे इलास्टिक मैंने 33 इंच लिया है। आपका जितना भी कमर हो उसमें आपको 3 से 4 इंच माइनस करके इलास्टिक लेनी है। यहाँ पे मेरे कमर का साइज 36 इंच है, उसमें मैंने यहाँ पे 3 इंच माइनस कर दिया है। अब मैं यहाँ सेफ्टी पिन की हेल्प से इलास्टिक को बेल्ट के अंदर एडजस्ट कर लूंगी। यहाँ पे मैंने इलास्टिक को बेल्ट के अंदर एडजस्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ दोनों साइड के इलास्टिक को आपस में स्टिच करके ज्वाइंट कर लूंगी। इलास्टिक को स्टिच करने के बाद अब मैं यहाँ बेल्ट के ओपन वाली साइड को भी स्टिच लगा के बंद कर लूंगी। बेल्ट में स्टिच लगाने के बाद अब यहाँ आपको इलास्टिक को ऐसे खींचते हुए एडजस्ट करना है और उसके बाद इलास्टिक को खींचते हुए आपको सेंटर में स्टिच लगा लेनी है। यहाँ पे सलवार की बेल्ट की फिनिशिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे सलवार की मोरी को रेडी करूंगी। मैं यहाँ आपको सलवार की एक साइड की मोरी रेडी करके बता रही हूँ। सेम इसी तरह आपको सलवार की दूसरी साइड भी रेडी करनी है। यहाँ पे मैंने सलवार के फैब्रिक को सीधी साइड रखा है और सलवार की मोरी को रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पे एक पट्टी कट कर ली है जिसकी लंबाई मैंने यहाँ पे 4 इंच ली है और मोरी की चौड़ाई मैंने यहाँ पे 20 इंच ली है जिसमें एक्स्ट्रा मार्जिन भी ऐड है। यहाँ पे मैंने पट्टी के ऊपर बकरम पेस्ट कर ली है। बकरम की चौड़ाई मैंने यहाँ पे 1.25 इंच ली है। आप अपने अकॉर्डिंग मोरी की चौड़ाई रख सकते हो। यहाँ पे पट्टी की बकरम वाली साइड आपको सीधे वाली साइड रखनी है। अब यहाँ पे मोरी पट्टी को सलवार के ऊपर आपको ऐसे रख लेना है और उसके बाद 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे स्टिच लगा लेनी है। यहाँ पे मैंने मोरी पट्टी को स्टिच कर लिया है। अब मैं इसे अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इस पे एक और स्टिच लगा लूंगी। उसके बाद मैं इसके ऊपर टॉप स्टिच भी लगा लूंगी। अब मैं यहाँ पे मोरी में टॉप स्टिच लगा लूंगी। यहाँ पे मैंने मोरी में टॉप स्टिच लगा लिया है। अब मैं इसके दोनों साइड के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दूंगी। यहाँ पे सलवार की मोहरी को हाईलाइट करने के लिए मैं कॉटन लेस का यूज कर रही हूँ जिसे मैंने फैब्रिक की एम्ब्रॉयडरी से मैच करते हुए लिया है। लेस को मैं यहाँ सेंटर में एडजस्ट करते हुए इसके ऊपर एक स्टिच लगा लूंगी।
सेम इसी तरह आपको सलवार की दूसरी मोहरी को भी रेडी कर लेना है। यहाँ पे मैंने दोनों सलवार की मोहरी को रेडी कर लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे सलवार की फिटिंग का स्टिच लगाऊंगी। सलवार की फिटिंग का स्टिच लगाने के लिए मैंने यह फैब्रिक को पलट लिया है। यहाँ पे मैंने सलवार की मोहरी में और आसन में 1 इंच का मार्जिन लिया था, इसलिए मैंने यहाँ पूरी सलवार में 1 इंच का मार्जिन लेते हुए निशान लगाया है। अब इसी मार्जिन के ऊपर मैं दोनों साइड स्टिच लगा लूंगी। यहाँ पे आपको मोहरी को डबल स्टिच करके लॉक कर देना है, उसके बाद स्टिच लगानी है। यहाँ पे मैं एक साइड आसन तक स्टिच करने के बाद दूसरी साइड से स्टिच लगाऊंगी। यहाँ पे पाकिस्तानी सलवार की स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। आप इसका फाइनल लुक यहाँ पे देख सकते हो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।